दिनों में उल्लू इतने चेंज हो गए हैं इस कुछ 4-5 सालों में, तो आने वाले और आगे के दिनों में कितना चेंज हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर से मेरे पिंकुस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, आज से कुछ साल पहले उल्वे में ये जो जगह था एकदम मतलब डेवलप नहीं हुआ था, यहाँ पे बना नहीं था कुछ। और आज दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो आज बहुत सारे मतलब बहुत उल्वे जो है यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, यहाँ मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े टावर बन गए हैं। तो ये कुछ दिनों में हुआ है, मतलब ये कुछ 4-5 सालों में। तो सोचिए, जब ये 4-5 सालों में मतलब उल्वे इस तरीके से तरक्की कर चुका है, तो आने वाले दिन में क्या नहीं होगा। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधा नहीं थी, पर आज देखते हैं कि हमें सारी सुविधा मिल रही है। तो चलिए, यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में हमें क्या क्या सुविधा मिल सकता है और आ सकता है। तो यदि आप आने का सोच रहे हैं, उल्वे में रहने की सोच रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ मदद करेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो, और बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो दोस्तों, अभी मैं उल्वे के सेक्टर 19 में हूँ, और यहाँ पे जो एक बार फिर मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, सेक्टर 19 में जो है मार्केट का और मतलब फल फ्रूट जितने भी सुविधाएं हैं यहाँ से मिलता है आपको। और यहाँ पे जैसे कि बस स्टैंड और लोकल ट्रेन का सुविधा भी है, और स्कूल और भी कुछ सुविधाओं के बारे में दिखाऊँगा जो आपको इन फ्यूचर काम आ सकता है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक के लिए एक छोटा सा क्लिप था आपके लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी तक के लिए बाय बाय।